की बात करेंगे। एक बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी। राज्यसभा चुनाव के चलते पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। राजस्थान में दो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव को पर्यवेक्षक बनाया गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। कोषाध्यक्ष पवन बंसल को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है, दोनों जल्द राजस्थान आएंगे, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी और अहम खबर आपको बता रही हैं। राज्यसभा चुनाव के चलते पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है, दो पर्यवेक्षक नियुक्त की गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने दो पर्यवेक्षक लगाए हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कोषाध्यक्ष पवन बंसल को पर्यवेक्षक बनाया गया है, उधर छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव को पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। सवरता दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। जी देखिए, भाजपा के बाद राजस्थान में भी राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षक तैनात कर दिए हैं। भाजपा ने नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव के चलते प्रभारी बनाया, तो कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के जो मंत्री है टीएस सिंहदेव और एआईसीसी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है पवन कुमार बंसल, दो सीनियर नेताओं को ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी है। ये जल्द ही राजस्थान पहुंचेंगे और 10 जून शाम को 5 बजे परिणाम आने तक राजस्थान में रहेंगे और सारी जो चुनावी रणनीति है और अन्य जो कामकाज है उस पर वो नजर रखेंगे बतौर पर्यवेक्षक और रिपोर्ट आगे आला कमान को भेजते रहेंगे। वहीं महाराष्ट्र के अंदर सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को पर्यवेक्षक बनाया गया, तो हरियाणा में छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल और जो राजीव शुक्ला है, अभी छत्तीसगढ़ से ही राज्यसभा सांसद चुने गए हैं शुक्ला, उनको जिम्मेदारी दी है। तीन राज्यों में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने सीनियर नेता यानी 5 सीनियर नेताओं को राज्यसभा की जिम्मेदारी दी है। बात राजस्थान की यहाँ करें तो पवन बंसल और टीएस सिंहदेव, उनको पर्यवेक्षक बनाया गया और कल उम्मीद है कि दोनों में से एक नेता उदयपुर पहुंच जाएगा और वहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत करेंगे, उम्मीदवारों से डिस्कशन करेंगे और विधायकों की राय जानेंगे और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया विधायक दल की बैठक हो सकती है, उसमें किस उम्मीदवार को कौन सी वरीयता दी जाए इस पर बड़ा फैसला हो सकता है। दिनेश, क्या प्लानिंग आगे की और आपको नजर आ रही है, क्योंकि आपने जिक्र किया उदयपुर आने के लिए उनका, दोनों में से कोई एक आ सकते हैं, पवन बंसल या फिर टीएस सिंहदेव आ सकते हैं। प्लानिंग आगे की रणनीति क्या कांग्रेस पार्टी की अब है? जी देखिए पराग, तीनों सीटें निकालने के लिए कांग्रेस को 123 वोट चाहिए टोटल। निर्दलीय और सहयोगी दलों को मिलाकर कांग्रेस का दावा है कि हमारे पास 126 वोट है। जो नाराज 6 विधायक चल रहे थे देर रात, वो मान गए, कांग्रेस कैंप के लिए एक बड़ी खबर है। और होटल ताज अराली में जयपुर से उदयपुर भी वो पहुंच चुके, आज सीएम अशोक गहलोत खुद होटल ताज अरावली में मौजूद है। और अब जैसा कि मैंने बताया कि वरीयता किस उम्मीदवार की कौन सी तय की जाए, तो ये तमाम चीजें बड़े सीनियर नेताओं की मौजूदगी में होगी। कल तक ये पर्यवेक्षक उदयपुर पहुंच सकते हैं। चलिए, शुक्रिया आपका दिनेश जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। संवाददाता दिनेश डांगी को आप सुन रहे थे, जानकारी पहुंचा रहे थे दिनेश। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने अपने सीनियर लीडर्स को जिम्मेदारी दी है राज्यसभा चुनाव के लिए, और पवन बंसल और टीएस सिंहदेव को राजस्थान के लिए जिम्मा सौंपा गया है और दोनों या दोनों में से कोई एक उदयपुर आ सकते हैं, इस तरह की भी खबरें सामने आ रही हैं।